आज हम लोग जो टॉपिक का बात करेंगे मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी में, उस टॉपिक को बोलते हैं उसमें दो मेथड का बात करेंगे जो कि पोल प्लेसमेंट टेक्निक में जो के मैट्रिक्स निकालते हैं उसके लिए, उसको मतलब डिटरमाइन करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड को हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है, जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का यूज करके हम लोग कैसे निकालते हैं के मैट्रिक्स को। और उसके बाद सेकंड जो मेथड है उसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। मींस यहाँ सेम क्वेश्चन को मैंने उसी क्वेश्चन को लिया है जिसमें कि सेकंड मेथड मैं यूज करूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें एक सिस्टम स्टेट इक्वेशन दिया हुआ है उसका, उसमें ए बी का वैल्यू दिया हुआ मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है, हेलो। और इसके बाद हम लोग इसमें उसका डिजायर्ड आपको पोल भी दिया रहेगा क्वेश्चन में कि डिजायर्ड पोल का लोकेशन क्या होगा। यहाँ तीन पोल दिए हुए इस तरह से डिजायर्ड, ठीक है। तो इस केस में हम लोग को निकालना है क्या, के मैट्रिक्स, के मीन्स हुआ फीडबैक, फीडबैक जो होता है मैट्रिक्स उसको निकालेंगे हम लोग, फीडबैक मैट्रिक्स। तो इसमें सेकंड मेथड को हम लोग यूज करके बता रहे हैं, सेकेंड मेथड है हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें क्या करते हैं कि जबकि फर्स्ट मेथड में हम लोग के को डिटरमाइन करते हैं, इसमें है कि पहले से अज्यूम कर लेते हैं के को, सेकेंड मेथड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इसका नाम है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, तो उसमें के जो मैट्रिक्स है उसको उसका ऑर्डर वही रखेंगे जो कि ए मैट्रिक्स में एन का वैल्यू रहेगा। एन का वैल्यू यहाँ थ्री है, क्वेश्चन में एन का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए 3x3 है, मीन्स n का वैल्यू 3 है। तो k भी जो एज्यूम करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में, उसमें तीन एलिमेंट लेंगे, एक रो मैट्रिक्स इस तरह से बनेगा k1 k2 k3, और इसी में से k1 k2 k3 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट लास्ट में करके यहाँ पर पुट कर देंगे। फर्स्ट है उसको एज्यूम करते हैं उसको, और इसमें जो पहला स्टेप जो कीजिएगा वो हमेशा ऑलवेज जब भी पोल प्लेसमेंट टेक्निक कीजिएगा, पहला स्टेप आपका रहेगा कि जो गिवन जो सिस्टम आपका है उसको चेक कर लेना है कि वो कंट्रोलेबल है या नहीं है। तो हम लोग कंट्रोलेबिलिटी का चेक ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके थे कि ये कंट्रोलेबल है या नहीं है। तो कंट्रोलेबिलिटी चेक करने के लिए क्या निकाले थे, फर्स्ट स्टेप में क्यूसी मैट्रिक्स निकाले थे जिसको बोलते हैं कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स। उसका फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्यूसी मैट्रिक्स को निकालने का ये फॉर्मूला जो जानते हैं बी ए बी ए स्क्वायर बी। तो इससे हम लोग चेक कर चुके हैं कि ये कंट्रोलेबल है या नहीं सिस्टम जो गिवन है। अगर वो कंट्रोलेबल है तभी नेक्स्ट स्टेप यहाँ से बढ़ेंगे हम लोग। के को एज्यूम कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है हमारा वो क्या होता है, एस आई माइनस ए, मैं इसे लिखूंगा तभी आपको समझ में आएगा। था कोई भी जो सिस्टम दिया रहता है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, एस आई माइनस ए, ठीक है, यही उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है इक्वेशन। उसको मैट्रिक्स फॉर्म में है चुकी, तो इसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा मॉडिफायर, ये कब था ये इक्वेशन, जब हमारा स्टेट जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स डॉट इक्वल टू, ऑलरेडी एक क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टेट इक्वेशन मैं वही दिखा दूं। स्टेट इक्वेशन जब ये होगा आपका ओरिजिनल जो ये है x डॉट इक्वल टू ax प्लस bu, तभी वो आपका स्टेट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है जो अभी हमने राइट किया एस आई माइनस ए, इसके लिए होगा एस आई माइनस ए, ठीक है, ये इस गिवन इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हुआ इसके लिए। लेकिन अभी चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी में इसमें फीडबैक पाथ में क्या करते हैं, फीडबैक पाथ में हम ऐड कर देते हैं पैरेलल में के, इसको ब्लॉक को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये ऐड करने से क्या होगा, अब जो होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्टेट जो इक्वेशन है वो भी चेंज होगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यू क्या हो जाता है, यू का वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, यू यहाँ पर क्या हो गया, यू इक्वल टू माइनस के, माइनस के यहां से आ गया, ठीक है, इनटू ये एक्स वैल्यू, इसके लिए इनपुट हो गया एक्स,
ये x यहां से आ जाएगा, आउटपुट इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन इनटू इनपुट, तो इधर से इनपुट जो हो रहा है उसके लिए अब ये वैल्यू हो जाएगा माइनस के एक्स। इसको मैं क्लियर फिर लिख दूं, यू क्या हो गया माइनस के एक्स, ठीक है ये हो गया। इसीलिए अब ये मॉडिफाइड होगा, क्या हो जाएगा u का वैल्यू आप पुट करना होगा माइनस के एक्स, तो ये क्या हो जाएगा x डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यू के जगह पर सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे माइनस ए एक्स, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिएगा x x का टर्म कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन लीजिएगा तो a माइनस माइनस बी के, बी के इंटू एक्स, ये टर्म आ जाएगा। देखिएगा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो b अंदर मल्टीप्लाई होगा, x कॉमन ले लेंगे फिर बाद में, और ये क्या बचेगा सिर्फ बस ये, तो बस यही आपका वैल्यू बचा, और यही सिर्फ x का वैल्यू बचा बी फॉर्म में, और कुछ नहीं बचेगा आपको। तो इस केस में अब कैरेक्टरिफिकेशन क्या हो जाएगा, ये x डॉट इक्वल टू ये वैल्यू हो गया, तो अब कैरेक्टरिफिकेशन जो है वो क्या हो जाएगा एस आई माइनस ए लिखते थे एक जगह पर, क्या हो गया ये एक जगह पर पुट हो रहा है ना, ये पूरा नहीं है बल्कि ये अंदर वाला जो ब्रैकेट में है, तो इसको पुट करेंगे यहां पर, तो ये माइनस चुकी है तो माइनस ए के आगे हो जाएगा माइनस, और बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस बी के, बी के ये नया कैरेक्टरिफिकेशन हो गया हम लोग का, ठीक है इकोनॉमी में भी यही होगा। ठीक है तो अब यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन मेथड को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसी को यहाँ पर देख रहे हैं जो है, इसी को में पुट करेंगे बाकी वैल्यू। तो यहाँ एस आई तो हम जानते हैं, एस तो ऑपरेटर है, आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे डायगोनल एलिमेंट में एस एस आ जाएगा, और माइनस ए जो गिवेन ए है जैसे यहाँ पर है, ये क्या होगा एस आई का वैल्यू ये आ गया आपका, और माइनस क्या है माइनस ए, ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या है ये है ये मैट्रिक्स आपका, ये सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पर ये मैट्रिक्स को यहाँ पर, और फिर प्लस बी के, बी मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है ये 001 क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, और के को हम लोग माने हैं ज्यूम किए हैं क्या के वन के टू के थ्री, ठीक है तो यहाँ पे के वन के टू के थ्री लिख देंगे, ये तीन वैल्यू इस केस में हो रहा है, ऑलवेज इतनी नहीं होगा, देखना कि ऑर्डर कितना है इनका वैल्यू उस पर डिपेंड करेगा, और ये सारे को सॉल्व कीजिएगा, ये दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और सबको ऐड कर दीजिएगा, तो फिर ये फाइनली इस तरह से के टर्म में आ जाएगा। ठीक है इसको फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और पॉलिनोमियल के फॉर्म में ये ले आएंगे, तो पॉलिनोमियल में टर्म आ जाएगा एस का टर्म रहेगा के का टर्म रहेगा, देखिएगा इस तरह से, ठीक है ये हमारा फाइनल इसमें इक्वेशन आ गया, यहां तक इक्वेशन सिर्फ आ गया हमारा, इससे हम लोग को ये आ गया वैल्यू। ठीक है अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेट करेंगे किससे, जो हमारा कैरेक्टरिफिकेशन होता है उससे इक्वेट करेंगे हम। कैरेक्टरिफिकेशन को मैं दिखा दूं, कैरेक्टरिफिकेशन पहले से हम लोग फर्स्ट चैप्टर में कैलकुलेट किए, तो उसी तरह से इसमें भी फिर से कैलकुलेट करना होगा। डिजायर्ड कैरेक्टरिफिकेशन इज क्या होगा, एस माइनस फर्स्ट पोल इंटू एस माइनस सेकेंड पोल इंटू एस माइनस थर्ड पोल, क्वेश्चन में दिया हुआ है तीनों पोल का वैल्यू, क्वेश्चन है आपका ये फर्स्ट पोल सेकेंड पोल थर्ड पोल, ये तीनों पोल का वैल्यू पुट करेंगे इस तरह से, कैरेक्टरिफिकेशन को पॉलीनोमियल फॉर्म में इस तरह से यहां तक आएगा, यहां तक ये है पॉलीनोमियल फॉर्म में, इसी के इक्वल किया हुआ है आपका, ठीक है सेकंड मेथड में इसी को इक्वेट किया हुआ है आपको यहां पर से, ये क्या है एस क्यू 14s स्क्वायर प्लस 16s प्लस 200, देखिए ये सॉल्व करके यहां आया हुआ है एस क्यू प्लस 14s स्क्वायर प्लस 16s प्लस 200, इसी को यहां पर
पुट किया हुआ है, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 14 के बराबर, ये क्या होगा 60 के बराबर, और ये जो कांस्टेंट है ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट दोनों मिलाकर होगा ये क्या होगा 200 के बराबर, ठीक है। इसी को इक्वेट किया हुआ है यहाँ पर, यहाँ इक्वेट किया हुआ 6 + k3 = 14 जो कि आपको ऊपर इक्वेशन में आया 6 + k3 = 14 5 + k2 = 60 तो यहाँ पर भी 5 + k2 = 60 1 + k1 = 200 तो इससे क्या निकल जाएगा, देखिए k1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 199 इसी से आ गया इक्वेशन से, फिर k2 इस इक्वेशन से आ जाएगा k2 = 60 - 5 यानी 55 k3 = 14 - 6 यानी = 8 आ गया, और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे k1 का वैल्यू k2 k3 यही आपका आंसर हो गया, यहाँ यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो इसी को फाइंड आउट करना था, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मेथड हुआ, लेकिन ये ध्यान रखने वाला बात है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कब अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, हम लोग एक्चुअली में जो k के कारण जो चेंजेस होगा, नया जो मतलब लूप जो बन जाता है उसके कारण डायरेक्टली हम उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं पूरे इक्वेशन में ही, और डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके निकाल रहे हैं, इसमें कोई नया कोई मैट्रिक्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये हायर ऑर्डर के लिए यूज नहीं हो पाएगा आसानी से, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ तक ऑर्डर n इक्वल क्या था 3 था, तो यहाँ तो ठीक हुआ 2 होगा 3 होगा, जैसे 4, 5 ये सब आएगा तो डिफिकल्टी बढ़ते जाएगी, तो इसको कभी भी 3 ऑर्डर से अधिक के लिए अप्लाई नहीं करने के लिए कहा गया है। 3 ऑर्डर से अधिक हो तो भी हम सोल्व तो कर लेंगे, तो तब भी उसको नहीं रिकमेंड किया गया है, कैलकुलेशन चूंकि ज्यादा हो जाएगा, तो 3 ऑर्डर तक ही इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन को आप लोग यूज कीजिएगा, उसके बाद के लिए यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब थर्ड मेथड जो हम लोग बात कर रहे थे, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं क्योंकि एग्जाम में अगर पूछता तो एकरमैन मेथड पूछता है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ज्यादा पूछता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जल्दी नहीं पूछेगा, वो अपने मन से आप यूज कर सकते हैं, कोई मेथड नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा मेथड से बनाना है आपको, और है एकरमैन फॉर्मूला है उसका यूज करके हम लोग के मैट्रिक्स जो है उसको निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, सिर्फ हम लोग यहाँ फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा बहुत इजीली। तो ये एकरमैन फॉर्मूला, ये जो गिवन है ये फॉर्मूला होता है एकरमैन का, यही फॉर्मूला है एकरमैन का, इसमें क्या होता है पहला जो मैट्रिक्स होगा वो रो मैट्रिक्स है, देख रहे होंगे तो एन का जितना वैल्यू होगा, एन इक्वल टू यहाँ 3 है तो 0 0 लास्ट एलिमेंट 1 होगा, ठीक है, ये ऑलवेज हमेशा इसी तरह से होगा, ठीक है। पहला जो मैट्रिक्स होगा, सेकेंड जो मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगा वो हम हमेशा क्यूसी का इनवर्स है, देख रहे होंगे यहाँ इनवर्स, और ये क्या है क्यूसी, ये क्या है क्यूसी, जो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स या कंपोजिट मैट्रिक्स है उसी के बराबर है, देखिए लेकिन उसका इनवर्स कर लेंगे, ध्यान में रखिएगा इसका इनवर्स कर लेंगे, और पहला मैट्रिक्स ये है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और तीसरा ये टर्म समझने वाला है तो थोड़ा ध्यान देना होगा इसमें, क्यू ए फाई ए, ये फाई ए क्या होता है, तो ये बोला ये थ्योरम दिया गया था कैले हैमिल्टन के द्वारा, कैले हैमिल्टन थ्योरम होता है, इसको मैं लिख दूं या पेज नंबर में सीधे वहां पर आ जाता हूँ, ये थ्योरम थोड़ा सा ब्रीफ में मैं 741 पर ये थ्योरम को सॉरी मोर चला गया 741 और पेज नंबर नहीं ले रहा है, यहाँ पर थ्योरम दिया हुआ है, हाँ यहाँ पर है आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम, ये क्या बोलता है कि जो भी मैट्रिक्स ए है उसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या निकालते हैं SI - A, तो अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन SI - A है तो ये खुद इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बन के आता है हमारा इस फॉर्म में पॉलिनोमियल फॉर्म में, अगर इसके जगह पर ए का वैल्यू को पुट कर दे, यहाँ एस का पॉलिनोमियल है ना,
अगर एस की जगह प्रॉपर्टी से ए को पुट कर दे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स ये ट्रू होगा। ये अगर पुट करते हैं ए, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ बताता हूँ। यहाँ पर जैसे एस का पावर एन है, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं ए का पावर एन प्लस अल्फा वन एस का पावर एस माइनस एन था, सॉरी। तो एस के जगह पर क्या लिखना हमें, ए ए मैट्रिक्स का पावर एस एन माइनस वन, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखते जाएगा इक्वल टू जीरो, यानी ये इक्वेशन सर्टिफाई होगा, ये रॉन्ग नहीं है, ये करेक्ट होगा। ऐसा ये प्रूफ्ड है ऑलरेडी, इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी का करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो ये खुद का करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, इस ओन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सर्टिस्फाई करता है, सर्टिस्फाई करता है ए मैट्रिक्स, ठीक है। ये ऑलवेज ही होगा, इसीलिए हम अगर एस का पॉलिनोमियल होते हैं पर ए का पॉलिनोमियल के फॉर्म में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। तो अब मैं प्रॉब्लम पर चलता हूँ जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर क्या इसको यूज करेंगे। यहाँ हमारा थर्ड मेथड यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि फाइ ये है, क्या है, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जहां पर कि ए का मतलब ए को हम लोग एस को रिप्लेस कर रहे हैं ए से। तो इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम लोग देखेंगे हमारा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था। यहाँ पर देखिए हम लोग कैलकुलेट करके ऑलरेडी लाए हुए हैं, इसलिए इसमें बार बार कन्वर्ट नहीं कर रहे। हमारा एस आई माइनस ए क्या सोल्व करके लाए थे, एस क्यू प्लस सिक्स एस स्क्वायर प्लस फाइव एस प्लस वन। इसे ध्यान में रखिएगा, एस क्यू प्लस सिक्स एस स्क्वायर प्लस फाइव एस प्लस वन, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है गिवेन ए मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग निकाला हुआ है। तो इसी में एस के जगह पर क्या पुट कर देंगे हम लोग, इसी में एस के जगह पर क्या पुट कर देंगे, ए क्यू प्लस सिक्स ए स्क्वायर प्लस फाइव ए प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये करेक्ट इक्वेशन भी करेक्ट होगा, ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, क्योंकि ये निकाला हुआ इसी एक मैट्रिक्स से। तो अब इसी को हम लोग आगे जहां मेथड है वहां पर देखेंगे वही चीज है कि नहीं। थर्ड मेथड जो हम लोग यूज कर रहे हैं, थर्ड मेथड यहाँ देखिए, एस क्यू के जगह पर ए क्यू प्लस फोर्टीन ए स्क्वायर प्लस सिक्स, सॉरी ये जो है इसमें पुट करेंगे डिजायर का इक्वेशन में, पुट कर दिया था डिजायर का इक्वेशन हमारा आया होता है यहाँ पर, ये है हमारा डिजायर एस क्यू प्लस फोर्टीन ए स्क्वायर प्लस सिक्सटीन सिक्सटी एस प्लस टू हंड्रेड डिजायर में पुट करेंगे। तो डिजायर में पुट करने पर इस जगह पर एस क्यू पर इस तरह से फॉर्म में आ गया। और 200 के जगह पर एक और ध्यान रखना है कि 200 एक न्यूमेरिकल वैल्यू था, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में करने के लिए क्या करना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, इसीलिए आई टर्म एक्स्ट्रा आ गया। ये आई टर्म को ध्यान में रखना है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू तो उसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सारा का ऑर्डर सेम हो। इसका भी ऑर्डर एन क्रॉस एन होगा, इसका भी ऑर्डर क्या होगा एन क्रॉस एन, इसका भी एन क्रॉस एन, इस तरह से एन क्रॉस एन, यहाँ सबका ऑर्डर क्या होगा एन क्रॉस एन, तभी सेम ऑर्डर होगा, तभी वो सबको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये रूल ही होता है मैट्रिक्स का एडिशन का, इसीलिए सबको सेम ऑर्डर में रखेंगे हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही पुट किया हुआ, उसे पुट करने से पहले एक क्यू निकालना हुआ, तो हम लोग को ए मैट्रिक्स दिया हुआ उसका पावर क्यू करने हम लोग निकालेंगे, तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे या फिर कैलकुलेटर का यूज करके निकाल सकते हैं आप लोग, मैट्रिक्स का क्यू कर लेंगे तो निकल जाएगा उसी तरह से फोर्टीन ए स्क्वायर, तो इस मैट्रिक्स का ए स्क्वायर निकाल लेंगे और उसी तरह से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली ये मल्टीप्लिकेशन आप लोग को बार बार प्रैक्टिस करना होगा, मैट्रिक्स ही कैलकुलेटर का में कैसे यूज करते हैं इसको भी इसको जरूर सीखिएगा, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड होता है आप लोग को, ठीक है। लेकिन स्टेप जरूर कुछ कुछ दिखाइएगा, बिना स्टेप को जंप मत कर जाइएगा जरा, ठीक है। तो इस तरह से ये फाइव ए निकल गया, और फाइव ए निकल गया इस फॉर्मूला में, और ये सब मैट्रिक्स हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्यू सी वी का इन्वर्स कर देंगे, ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो के का वैल्यू इस तरह से निकला हुआ, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, लास्ट में ये ऑर्डर में ही निकलेगा। इसमें फर्स्ट वैल्यू क्या है, के वन के टू के थ्री, आप लोग
जो सेकंड मेथड में भी निकाले थे, फर्स्ट मेथड में निकाले, सबसे वैल्यू देखिए K1 का वैल्यू वही था K2 के थी। इस मेथड में भी सेम वैल्यू आया है, K1 का वैल्यू 199, K2 का वैल्यू 55 और 8 आया K3। और सभी मेथड में देखिएगा सभी में सेम वैल्यू आया। ये फर्स्ट मेथड था ट्रांसफर मैट्रिक्स का, यहाँ भी सेम वैल्यू आया था हम लोग का K1 K2 K3 का, यहाँ भी सेकंड मेथड में भी सेम वैल्यू आया है, थर्ड मेथड वैल्यू भी सेम आया है। तो ऑलवेज ये सेम ही आएगा गिवेन, अगर आपका डिजायर्ड पोल जो गिवेन है उसके लिए सेम वैल्यू आएगा। अगर डिजायर्ड पोल का वैल्यू चेंज कर देंगे तो ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव भी आप लोग पूछता है कि के का वैल्यू यूनिक होता है या नहीं होता है, तो क्या बोलिएगा आंसर, के का वैल्यू जो आएगा आंसर वो यूनिक नहीं होता है। यूनिक यहाँ पर आप यूनिक कब देख रहे हैं, तब जब आपका डिजायर्ड जो पोल दिया हुआ है क्वेश्चन में वो सेम है, तभी सबका वैल्यू सेम आ रहा है। अगर डिजायर्ड पोल का वैल्यू चेंज कर देंगे तो के का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यूनिक तो नहीं हुआ के का वैल्यू, जो आपका सिस्टम है उसके लिए के का वैल्यू बदलेगा, वो पोल पर डिपेंड करता है जो डिजायर्ड पोल आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और डिजायर्ड पोल सेलेक्ट करने का क्या तरीका होता है, उसको सिलेक्ट करते हैं हम लोग कहाँ पर, हम लोग किस तरह का आउटपुट चाहते हैं उस पर हम लोग डिपेंड करते हैं, हम लोग डिजायर्ड पोल सिलेक्ट करते हैं। और वो निकालते हैं कैसे, जो रूट लोकस बॉडी प्लॉट ऐसे आप लोग पढ़े हैं उससे हम लोग देखते हैं कि सिस्टम को किस तरह से स्टेबिलिटी हम लोग को देना है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा स्टेबल बनाएंगे सिस्टम को तो उसका रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है, तो दोनों के बीच में हम लोग कॉम्प्रोमाइज का ही सिलेक्शन करते हैं कि उसका रिस्पॉन्स भी थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री हो, क्विक हो और मतलब वो स्टेबल रीजन में भी काम करें। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड हैं जिसके द्वारा वो सिलेक्ट करते हैं हम लोग, वो अभी आप लोग को विशेष अभी नहीं इसमें पढ़ना है, अभी इस जो क्वेश्चन आएगा इसमें इतना ही आप लोग को निकालना है, ठीक है। अब समय कुछ थोड़ा सा बचा है तो मैं अब जो नया टॉपिक है उसका जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगा। ये जो आपको अभी तक था आप लोग को निकालने के लिए पोल प्लेसमेंट टेक्निक, उसमें के वैल्यू निकालना, तो ये यहीं तक तीन मेथड यूज करना था, तीनों का मैंने बता दिया। ये प्रैक्टिस ही आप लोग करना होगा तभी, ये जितना मैं कर रहा हूँ यहाँ तो बहुत इजीली दिखा दे रहा हूँ, ये जब तक कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन एक ईयर तो दिखा है, ये कुछ पूछा हुआ है आप लोग का, ठीक है, तो कहीं कहीं पूछा जाता है। अब इसके बाद है स्टेट ऑब्जर्वर, ये नेक्स्ट टॉपिक सर, मेथड टू सर, हाँ मेथड टू का फिर से समझाइए ना के कैसे निकला है। तो नया टॉपिक